मैं इसके बारे में क्या कहूं, मैं सत्य के बारे में क्या बताऊं। जैसे ही मैंने इसको बताने की कोशिश की, फिनिश, ये गया। जैसे ही मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की, ये गया, ये फिसल गया। मैंने जैसे ही इसकी एक फॉर्म बनाने की कोशिश की, आकृति बनाने की कोशिश की, ये गया। मैंने जैसे ही इसको समझाने की कोशिश की, ये गया। मैंने जैसे ही इसको बताने की, इसको सोचने की, इसको कोई रूप देने की कोशिश की, इवन मैंने इसको देखने की कोशिश भी की, इसकी मौजूदगी को विटनेस करने की कोशिश भी की, ये गया। सत्य गया, क्योंकि सत्य है, ट्रुथ। आप उसके पास कभी पहुंच ही नहीं सकते। आप उसके पास कभी जा ही नहीं सकते। वो आता है आपको ढूंढता हुआ। वो आता है आपके पास। कब? जब आपके अंदर आपका माइंड इतनी सी ट्रिक, इतनी सी भी ट्रिक नहीं लगा रहा होता उसे जानने की, जब आपका माइंड कोई एक्सप्लेनेशन, कोई इंटरटेनमेंट, कोई चाहा, कोई इच्छा, कुछ भी, जब ये सब कुछ आपका खत्म हो जाता है, यहां पर खत्म होने का मतलब है कि ये चीजें हैं आपके अंदर, लेकिन ये आपकी कॉन्शियसनेस का बस एक हिस्सा है, इससे आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। जब आप अपना माइंड खत्म कर देते हैं, उसके बाद कुछ बचता है, और वो जो बचता है उसको भी तुम कहते हो कि ये भी एक मेरे माइंड की ही चाल है, मेरे माइंड की ही ट्रिक है। इसको भी तुम रिजेक्ट कर देते हो, और इसको रिजेक्ट करने के बाद भी जो जो भी तुम्हें दिखता है, तुम उसको भी रिजेक्ट करते हुए चले जाते हो। तुम सबको रिजेक्ट करते हुए चले जाते हो। लास्ट में तुम जो वो जो रिजेक्ट होता है उसको भी रिजेक्ट कर देते हो, उसको भी खत्म कर देते हो। और उसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है, ना ही रिजेक्टर, ना ही रिजेक्शन, कोई क्रिया बचती ही नहीं है। उस टाइम पर तुम पूरी तरह से सेल्फलेस हो गए हो, पूरी तरह से सेल्फलेस। तुम बचे ही नहीं हो, तुम खत्म हो चुके हो। नॉट एज अ फिजिकल ऑर्गेनिज्म, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के तौर पर नहीं, एक जैविक
मनुष्य के तौर पर आप नहीं खत्म हुए। आप खत्म हुए हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर। क्योंकि हमने अब चीजें वैसी देखना स्टार्ट कर दी हैं जैसी चीजें हैं, ना कि वैसे जैसे हम देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। हमारे अंदर एंटरटेनमेंट है, हम एंटरटेनमेंट के थ्रू चीज़ों को जानना चाहते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, हमें इजी लगे, आसान लगे, मज़ा आए। एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज, परिभाषा, कहानी के रूप में पता लगे, कोई बहुत चमकदार चीज़ होगी, कोई बहुत मज़ेदार चीज़ होगी, ऐसी होगी वैसी होगी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब तुम्हारे मन का भ्रम, मन की चाल है, माइंड की ट्रिक है? जब तुम्हारा माइंड का तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें ये मेरी माइंड की ट्रिक है, मेरे मन का, मेरे मन की चाल है और कुछ नहीं है, तो फिर कुछ जानने योग्य बचता नहीं है, क्योंकि जानने वाले ही खत्म हो गया है। उस टाइम पर अगर आप भाग्यशाली रहे, इफ यू आर लक्की, उस टाइम पर तुम्हें ज्ञान के कुछ दर्शन होंगे, तुम्हें सत्य का कुछ आभास सा होगा। इसलिए नहीं कि तुम उसको चाहते हो, बल्कि सत्य तुम्हारे पास से होकर निकल जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि अब तुमने कोई किसी भी चीज को नहीं पकड़ा हुआ है, अब तुम खुल गए हो पूरी तरह से, अब तुम भी उसके साथ अनंत हो गए हो, अब तुम भी वही बन गए हो। अब तुम में और सत्य में कोई अंतर नहीं, अब तुम जो भी देख रहे हो, जो भी समझ रहे हो, जो भी जान रहे हो, वो सब सत्य दिखाई देता है। अब तुम्हें असत्य भी सत्य दिखाई देता है। हर जगह सत्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सत्य है। उसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, जो है ही, जो सिर्फ है। बस तुम उसको महसूस करते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, जानते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, दिमाग लगाते जा रहे हो, और जब जब तुम ऐसा करते जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा तुम्हारा मन जो है वो भटक रहा है, और मन सत्य के सामने एक बहुत ही तुच्छ चीज है, जिसका अपने आप में भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वो बस होती हुई प्रतीत होती है।
सत्य अनंत है, विशाल है। वो तुम्हें तुम्हारी कोशिश से नहीं मिलता। वो तुम्हें खुद बताता है। धन्यवाद।